मीन डेविएशन निकाल रहे हैं हम लोग फर्स्ट मेथड सब फर्स्ट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स मिलेगा। बात करते हैं एक्स, एक्स क्या लिखा हुआ हम लोग का, बोलो एक्स कितना लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 चेक कर रहा है ठीक है। देख लो मीन डेविएशन निकालना है, सुनो मीन डेविएशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग को, तीन सीरीज पता है, एक इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। क्वेश्चन कंटिन्यूअस से रहता है ज्यादातर ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज बोला तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही मिलेगा, सो एक्स लिख रहे कितना है 37, 45, 52। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग ठीक है। 22 में क्या लिखा गया है, 8, 5, 11, 6, 9, 12, 2, 10 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 एक्स दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिग्मा एक्स निकालेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे, सिग्मा एक्स कितना आने वाला है, सबको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं हम लोग 8, 5, 13 और 7, 20, 20, 5, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 75। ठीक है, तो सिग्मा एक्स कितना निकला हम लोग का, 75 निकल चुका है सिग्मा एक्स। तो हम लोग को करना क्या होता है, मीन डेविएशन के लिए हम लोग पहले फॉर्मेट उसको लिख लेते हैं, हमको निकालना है यहाँ एक्स माइनस एक्स बार। सबसे पहला कॉलम क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एक्स बार निकाल रहे हैं हम लोग 75 डिवाइडेड बाय 7.5। एक्स बार क्या है 7.5। अब करना क्या, यहाँ लिखना है 8 माइनस 7.5, ये मॉड में रहेगा ठीक है, मॉड में रहेगा। तो मॉड में होता क्या है, मॉड का मतलब यह है कि पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करने कितना आने वाला है, 0.5 आएगा, नेगेटिव आना चाहिए था, नहीं पॉजिटिव आना चाहिए था। दूसरा 5 से माइनस करना है, 5 माइनस 7.5 कितना होगा, 2.5 ही होगा क्योंकि पॉजिटिव निकालेंगे, 2.5 होगा, हाँ 2.5 होगा। 7 माइनस 7.5 निकालना, तो 12 माइनस 7.5, 2 माइनस 7.5 और 10 माइनस 7.5 बताइए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ 0.5, सेकंड 2.5 होगा, हाँ, कंफर्म 2.5 होगा, इसमें 2.5 होगा, फिर इसमें 6 कैसे होगा, माइनस 12.5 12 माइनस 7.5 कितना होगा 4.5 होगा 2 2 से माइनस करना कितना होगा 5 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
कितना आया? 25 उसमें बाद में बीच में जीरो कम करा दीजिएगा क्या है क्वेश्चन लेस देन करना है नंबर बता लेस देन 10 12 12 13 14 कितना है फ्रीक्वेंसी कितना है 3 2 3 2 3 3 ये फ्रीक्वेंसी तो लग रहा है कि घट रहा बढ़ रहा ऐसा नहीं लग रहा ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो लिखा गया है लेस देन 10 का मतलब क्या होता है 10 से कम और ये लेस देन 11 है ना लेस देन 11 लेस देन 12 लेस देन 13 लेस देन 14
14. तो लेस देन 10 का मतलब क्या होगा, 9 से 10 होगा, और ये लेस देन 11 मतलब 9 से 11, और फिर ये 9 से 12, 9 से 13, 9 से 14, ये होगा ना, देख लो ये लिखा हुआ नाम 9 से 10 है, 9 से 10, और नीचे आ गया 9 से 11, ये 9 से 11 और ये 9 से 10 है. अगर 9 से 11 वाला में से 9 से 10 को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 10 से 11, यानी कि इसको क्या करना होगा, 9 से 11 यानी कि माइनस, ठीक है. दूसरा 9 से 12, 9 से 11 को हटा देंगे तो क्या होगा, 11 से 12 को कितना होगा, कितना होगा, 18 माइनस 12 ठीक है ना. दूसरा वाला जब करेंगे तो क्या होगा, 18 माइनस 12 हुआ था 12 माइनस 18 होगा, नेगेटिव आ गया फ्रीक्वेंसी, कभी होता है नेगेटिव, नहीं होता, क्वेश्चन ही नहीं आता. नेक्स्ट कॉलम, यहाँ एक कॉलम बनेगा x माइनस m. सुनो ना, ये के अंदर माइनस प्लस कुछ नहीं लगता, यार क्या लगता है, ये काम बोल दे इसको, मोटा बोल दे, इसको एफ से इंटू करो, फिर से